हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार मिश्रा एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम इन अकाउंटेंसी फीवर चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? डायरेक्टिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है, डायरेक्टिंग का चैप्टर देखना है। फ्रेंड्स, पहले हम लोग मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स थे, जो मैनेजमेंट के 5 प्लान्स, वो मैनेजमेंट के जो 5 मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या है? पहला काम प्लानिंग, सेकंड दूसरा हमारा क्या है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा हमारा स्टेप था स्टाफिंग, और हमारा फोर्थ स्टेप है यहाँ पे डायरेक्टिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान को अचीव करने के लिए सबसे मेन ये जो मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं उसमें प्लानिंग करता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपना तैयार करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, इसके बाद स्टाफिंग करता है। बट आई थिंक विदाउट परफेक्ट डायरेक्टिंग वी कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी डायरेक्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। अगर हम सही तरीके से अपने स्टाफ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन न दें, डायरेक्टिंग न दें, उनकी एक्टिविटीज़ को हम कंटिन्यू प्रॉपरली वॉच न करें, तो निश्चित रूप से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या हैं, उसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग? इट इज ए मैनेजरियल फंक्शन, इट इज ए मैनेजरियल फंक्शन कंसर्न विथ पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स इनटू इफेक्ट। यानी क्या होता है डायरेक्टिंग? तो डायरेक्टिंग क्या होता है, यह एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाए गए होते हैं, जो भी प्लान्स उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, उस प्लान को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए, उस प्लान को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिंग का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर देखते हैं इसके वर्ड्स को, इट इज ए मैनेजरियल फंक्शन। यह एक मैनेजरियल फंक्शन है, यानी मैनेजमेंट का काम होता है, क्या होता है, कंसर्न विथ पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। यानी कि ये किससे अटैच होता है मैनेजरियल फंक्शन में, यहाँ पे क्या करना है, जो प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी, उनको प्रॉपर इफेक्ट करने के लिए, यानी जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान को अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन प्लान्स को सही तरीके से कंटिन्यू करने के लिए डायरेक्टिंग का होना, डायरेक्शन का होना, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर डायरेक्शन का देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम उनके जो मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं वो ले पाएंगे। तो इसको यहाँ पे एक और मीनिंग यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस टू सबॉर्डिनेट्स। यानी डायरेक्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टिंग जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो हमारे अंडर काम करने वाले होते हैं, उन अपने एम्प्लॉइज को, उन अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या देना, इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस, उनको सही समय पे सही तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स इश्यूइंग इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन को क्या करना, इश्यू करना, किसको, तो टू द सबॉर्डिनेट्स। और किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देने होते हैं डायरेक्टिंग के, वो मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग में, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं, डायरेक्टिंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये डायरेक्टिंग के जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं, इन 4 का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या हो गया इसमें, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ये अगर 4 चीज़ें नहीं हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हम प्रॉपर डायरेक्टिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करें, क्या फीचर्स, क्या सिम्टम्स, क्या वो लक्षण होते हैं कि जिन्हें देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डायरेक्टिंग या डायरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन का काम हो रहा है, तो कौन से फीचर भाई? पहला फीचर यहाँ पे दिख रहा है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है डायरेक्टिंग इज
allowed each and every place and each and every managerial function. ठीक है ना, डायरेक्टिंग क्या होता है, जो मैनेजमेंट के जो तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये जो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के जो तीन लेवल होते हैं ना, इन तीनों लेवल पे डायरेक्टिंग का रोल होता है. यानी परवेसिव का मतलब हो गया कि यहाँ पे डायरेक्टिंग केवल लोअर लेवल के सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. बल्कि यहाँ हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग हर लेवल के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है. अगर हमारा जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, उसके देखरेख में, उसके डायरेक्शन में मिडिल लेवल का मैनेजमेंट काम करता है, मिडिल लेवल के डायरेक्शन में, मिडिल लेवल के देखरेख में लोअर लेवल का मैनेजमेंट काम करता है, और लोअर लेवल के मैनेजमेंट के डायरेक्शन में जो वर्कर्स होते हैं नीचे के लास्ट कैटेगरी के, उनको हम इंस्ट्रक्शन या चीजें डायरेक्शन देने का काम करते हैं. यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्शन केवल लोअर लेवल के मैनेजमेंट का फंक्शन होता है. ठीक है ना, कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, बुक्स में देखने को मिलेगा कि डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट. बट आज से आपको ये बात ध्यान देना है कि ये केवल लोअर लेवल के मैनेजमेंट का काम नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टिंग इज परवेसिव, यानी कि डायरेक्टिंग ईच एंड एवरी लेवल के मैनेजमेंट पे अलाउ होता है. बिना उसके कोई भी लेवल का मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएगा. सेकंड फीचर क्या होता है डायरेक्टिंग का, क्या दिखता है यहाँ पे, ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एलिमेंट का सेंस यहाँ पे हो गया कि डायरेक्टिंग में जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बिहेवियर को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाए, उनके बिहेवियर को किस प्रकार से रीड करो और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना. मेरी बात समझ में आ रही होगी. डायरेक्टिंग में यहाँ पे बात हो रहा है ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एलिमेंट का मतलब हो गया किसी भी ह्यूमन के जो इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं, उस पर्सन के इंडिविजुअल थॉट्स, उनके इंडिविजुअल जो उनकी कह सकते हो कि जो उनकी वर्किंग एबिलिटी होती है, उन के इंडिविजुअल सेंस को हम प्रॉपर तरीके से रीड कर पाते हैं और उसके इंडिविजुअल के साथ साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम उससे काम ले पाते हैं. यानी हम जब भी डायरेक्शन देंगे तो ऐसे तरीके से डायरेक्शन का काम देते हैं जिससे कि उस सबॉर्डिनेट्स के जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं, उसके इंडिविजुअल ओपिनियंस हैं, उनके साथ हमारा इंस्ट्रक्शन भी मैच कर जाए, उनके इंडिविजुअल थॉट्स को भी हमें रीड करने का अवसर मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं. नेक्स्ट फीचर इसमें दिखता है डायरेक्शन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस. डायरेक्शन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस. यानी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि डायरेक्शन में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जो भी डायरेक्शन होता है वो हम अपने इम्प्लाइज के परफॉर्मेंस के आधार पे ही हम उसको डायरेक्शन दे पाते हैं. अगर हमारा वो सबॉर्डिनेट बेस्ट तरीके से अपना जॉब प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सबॉर्डिनेट वी कैन डायरेक्ट हिम, मेक इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट पर्सन. यानी यहाँ पे बात करना है कि किस प्रकार से हमारा इम्प्लाई परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. अगर उसके परफॉर्मेंस में कमियां हैं तो हम उसकी कमियों को दूर करने के लिए उसको उस तरह के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं. अगर बहुत बेस्ट लेवल पे वो परफॉर्म करता है तो उसके उस परफॉर्मेंस के लेवल के आधार पे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. अगला फीचर इसमें दिख रहा है मैनेजरियल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन में एक और बात देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये हर तरह के लेवल का मैनेजरियल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरियल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन में यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्शन का काम मैनेजरियल फंक्शन तो है, और इसलिए मैनेजर्स अपने स्टाफ या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे उसी प्रकार का काम ले पाता है
जिस प्रकार से उसने प्लान किया होता है। कौन प्लान किया होता है? जो मैनेजर्स होते हैं, जो जिनका मैनेजरियल फंक्शन होता है, जिनका काम होता है मैनेजमेंट करना, वो मैनेजमेंट अपने मैनेजरियल फंक्शन में उसी प्रकार से अपने काम कर पाते हैं, उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर पाते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्शन दे पाते हैं जिस प्रकार का प्लान उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, प्लान के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमारा प्लान क्या है, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्शन का इम्पॉर्टेंस कब हो जाता है, हमारे प्लान्स को देखते हुए अगर बात करें तो प्लान जो भी हम बनाए होते हैं उस प्लान को या अपने उस ऑर्गेनाइजिंग को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो प्लान, प्लान से ही क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आपको पता है मैनेजमेंट का जो सबसे पहला ये एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्लान। प्लानिंग के बाद अगला होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो जो हमने प्लानिंग किया उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तभी हमारा सक्सेस होगा जब हम अपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग ही अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज मैनेजरियल फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट कभी डायरेक्शन का काम कभी कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसका रीजन क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन दे करके और छोड़ दिया फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को कि भैया ये काम करना है, वो काम करके बैठ गया, तो फिर क्या कल से आपके नए ऑब्जेक्ट्स नहीं तैयार होंगे? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का नए प्लान, नए फीचर्स, नए कंटेंट्स तैयार होते हैं? यानी कि किसी भी एक कंटिन्यू जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स नए नए क्रिएट होते रहेंगे, और नए नए आपको इंस्ट्रक्शंस अपने इम्प्लाइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को देना होता है। यानी आप एक मैनेजर लेवल पे आप रेस्ट मोड में बैठ ही नहीं सकते हो, यानी यह क्या हो सकता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार इंस्ट्रक्शन दिया आपने, काम कंप्लीट हुआ, दोबारा फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है उस प्लान को अचीव करने के लिए दोबारा आप इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर तीसरी बार, चौथी बार, यानी ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। बात करेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस होता है? अगर डायरेक्शन प्रॉपर न हो तो उसके डिसएडवांटेजेज हो सकते हैं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है और उस प्लान के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को अचीव करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। बिना प्रॉपर डायरेक्शन, बिना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के हम अपने टारगेट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, ये बहुत ही टिपिकल वर्क हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंसिंग ऑफ गोल्स। बैलेंसिंग ऑफ गोल्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? तो हर एक इंडिविजुअल जो सबॉर्डिनेट होता है उसका अपना एक आईक्यू लेवल होता है, उसका एक अपना थॉट होता है, उसकी खुद की अपनी एक स्किल, उसकी अपनी ओपिनियन सोच हो सकती हैं, और दूसरी तरफ उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्लान होता है, उसके अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल के जो प्लान्स हैं, उसकी जो स्किल है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो ओपिनियन है, उसको अपने फॉर्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ट्यून्ड किया जाए, किस प्रकार से इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, यह डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ गोल्स। बैलेंसिंग ऑफ गोल्स का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने का, और एक इंडिविजुअल पर्सन का भी ऑब्जेक्ट होता है अपने आप को बहुत बड़े लेवल तक ले जाने का, कि मैं छोटे लेवल से ही सही लेकिन मैं टॉप लेवल तक मैं पहुंच पाऊं, और वो भी अपनी तरक्की, अपने इंक्रीमेंट, अपने सैलरी स्ट्रक्चर, बोनस, तमाम चीज़ों को लेकर वो भी प्लान करता है, और वह अपने स्किल्स को डेवलप करता है, और इधर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो किस प्रकार से दोनों के जो अपने अपने व्यूज हैं, जो दोनों के अपने अपने विजन्स हैं, उन दोनों विजन्स में किस प्रकार से अंडर
स्टैंडिंग क्रिएट कराया जाए, और इसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने को ही हम बोल सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ गोल्स, यानी दोनों के गोल्स को किस प्रकार से सेट किया जाए, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट दिया है इनिशिएशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या करता है, वो प्लानिंग, सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग के साथ साथ वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने का काम कौन करता है, डायरेक्शन। हमने कोई चीज प्लान कर लिया, हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, लेकिन हमारा वो प्लान या ऑर्गेनाइजिंग तभी जाके सक्सेस होगा जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस गाइड्स प्रोवाइड करते रहें। अगर हम उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, उनको प्रॉपरली हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने प्लान्स और अपने ऑर्गेनाइजिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, बिना कोऑर्डिनेशन के हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट है और जो हमारे वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है और जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, इन दोनों के बीच में अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप समझ लो ना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिना अगर हम दो लोगों के बीच में कोई बातचीत ही ना हो, हम दोनों एक दूसरे को अपनी ओपिनियंस अपनी शेयर न करें, तो फिर हम जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो इसका मतलब हमने एक दूसरे को किसी भी थॉट को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमने शेयर ही नहीं किया, हमने अपनी बातों को रखा ही नहीं। इसका मतलब कि जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कोऑर्डिनेशन नहीं संभव है। और जहाँ कोऑर्डिनेशन होगा किसके बीच में, मैनेजमेंट और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन लाना है तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्वीट कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के कारण हम कह सकते हैं कि बेहतर तरीके का डायरेक्शन क्रिएट हो पाता है। ठीक है, यानी हम डायरेक्शन तभी दे पाएंगे अपने सबॉर्डिनेट को जब हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, और हमारा उस इंस्ट्रक्शन को हमारा सबॉर्डिनेट तभी एक्सेप्ट कर पाता है जब उसको लगता है कि हमारा मैनेजमेंट हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट हमसे बात करता है। यानी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। थर्ड इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस दिया हुआ है वो है इन्हेंसमेंट ऑफ इफिशियंसी का सेंस यहाँ हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबॉर्डिनेट्स के पास, वर्कर्स के पास कैपेबल तो होते हैं, वो स्किल भी होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, वो अपने जॉब में परफेक्ट होते हैं, बट क्या होता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बिना, प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिना वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते हैं। यानी कि यहाँ पे उनको एक समय समय पे इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए अपने सीनियर से, अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उनसे, अपने बॉस से। यानी अगर बॉस और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है अगर दोनों के बीच में, तो निश्चित रूप से प्रॉपर डायरेक्शन के कारण उनकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारे सबॉर्डिनेट्स की इफिशियंसी, काम करने की क्षमता, स्किल, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी समय पे अगर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है मींस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं और सही कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, तो सही कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और जहां सही कोऑर्डिनेशन होगा वहां पे इंस्ट्रक्शन भी बहुत बेहतर तरीके का होगा। और यहाँ पे जब बेहतर इंस्ट्रक्शन होगा, बेहतर कम्युनिकेशन होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेट कर पाते हैं। मोटिवेट हम दो तरीके से करते हैं अपने स्टाफ्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को। एक
इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल सपोर्ट, और दूसरा होता है मोटिवेशन, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल में मैंने उनके लिए एक व्यवस्था बना रखी थी कि अगर आप इस परफॉर्मेंस को करते हो, आप इस टारगेट को अचीव करते हो, तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव, ये जो हमने उनको मोटिवेशन है इसको कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मोटिवेशन देना। एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का सेंस यहाँ हो गया कि हम उसकी प्रमोशन करेंगे। अब अभी तक वो असिस्टेंट मैनेजर था, अभी सीनियर मैनेजर हो जाएगा। जो मैनेजर था वो सीनियर मैनेजर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दो तरीके से हम अपने स्टाफ को मोटिवेट करने का काम करते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के कारण हम बेहतर तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो बेहतर तरीके से फॉलोअप कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। फैसिलिटेशन ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का, कि अगर डायरेक्शन प्रॉपर टाइम पे अपने सबॉर्डिनेट्स को हम देते हैं तो जो भी चेंजेस होने हैं समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, जो भी चेंज होते हैं उन चेंज से हम अपने सबॉर्डिनेट्स को अवेयर कराते हैं, और हमारे वो सबॉर्डिनेट्स भी जिनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिनको हम डायरेक्शन देते हैं, वो भी हमेशा नए चेंज के लिए, नए अपॉर्चुनिटी के लिए, नए चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो ये हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। अगला हमारा देखना है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शंस में क्या क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो डायरेक्शन के प्रिंसिपल हैं, पहला है यहाँ पे हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला प्रिंसिपल होता है। ये पहला प्रिंसिपल क्या है, तो हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को किस प्रकार से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्टनेस के साथ, एकजुटता के साथ, एक यूनिटी के साथ उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के साथ एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन का काम हो पाएगा, तभी हम बहुत ही हार्मनी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है। मैं बार बार अपने हर स्टेटमेंट में बोलते आ रहा हूँ कि डायरेक्शन तभी हो पाएगा, इंस्ट्रक्शन तभी हो पाएगा जब हम स्टाफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और सही तरीके का स्टाफिंग किए होते हैं, और इसमें एक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो। बिना कम्युनिकेशन के हम अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस नहीं दे पाएंगे, यानी कि यहाँ हम कहेंगे कि दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी ये हमारा हो गया सेकेंड प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल हमारा दिया है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी सही तरीके से बात करना है ये तो डायरेक्शन फाइनली क्या करता है, इफेक्टिव लीडरशिप को क्रिएट करता है। किस पर्सन को लीडरशिप करना है, कौन आगे आकर के इंस्ट्रक्शन देगा, और वो लीडरशिप की भावना जो होती है ना, फीलिंग्स होती हैं वो, या वो जो नॉलेज होता है लीडरशिप करने का, वो सारी चीज़ों को क्रिएट करता है कौन, डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी यहाँ पे डायरेक्शन के कारण, इंस्ट्रक्शन के कारण, आप जैसे मान लो आपको कहीं पर मैनेजर बना दिया गया, तो एकदम से इमीडिएटली आप नए नए मैनेजर बने हो तो आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लीडरशिप नहीं कर पाते हो, उनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे आप उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखते हो। जैसे ही कम्युनिकेट करते हो, अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन आता है, और कोऑर्डिनेशन जब आ जाएगा धीरे धीरे आपकी मैनेजरियल स्किल डेवलप होने लगती है, यानी आपके अंदर लीडरशिप की जो भावना होती है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, और वहाँ से आप सही तरीके से डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस देते हो जिसको आपके सबॉर्डिनेट्स प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट दे रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी डायरेक्शन का ये भी काम है कि वह अपने स्टाफ के साथ सही तरीके से
काम ले, सही तरीके से उनको कम्युनिकेट करें और सही तरीके से उनको मोटिवेट भी करें। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, मोटिवेशन सा सेंस ये हो गया कि जब बॉस और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर तरीके का होगा, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो निश्चित रूप से ही वहाँ पे वो बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाता है, उनको काम करने के लिए कन्विंस कर पाता है और उनसे बेहतर तरीके से काम ले पाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन यानी यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत खुशी होगी कि उनका बॉस उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहा है। और बॉस अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काम करते हैं तो उनको ये फील होता है कि मेरा बॉस मुझे सुपरवाइज करता है यानी सुपरविजन करता है, और वो अपने बॉस के सुपरविजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं यानी कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक था डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग के इम्पॉर्टेंस और डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर से रिलेटेड नए कंटेंट लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।